मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा आकाश को शायद मुझे नहीं लगता क्या होता है कि जब जब आप टू अचीव समथिंग इन लाइफ तो देयर इज नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन आपको लोग पहले से जानते हो फिर भी मैं ये प्रिविलेज लेना चाहूँगा मैंने इंट्रोड्यूस करूँ एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब एंड ही स्कोर्ड AIR 14 इन नवंबर 16 इन IPCC ये एक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट अच्छा ये ह्यूज अचीवमेंट क्यों है क्योंकि देखिए क्या होता है कि व्हेन वी प्रिपेयर फॉर IPCC ऑफकोर्स वी हैव टू पुट आवर एफर्ट और अगर आप रैंक में आ रहे हैं इफ यू आर अबव 25 और 30 और 50 इसका मतलब यू आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया एंड हार्ड वर्क शुड मस्ट बी अप्रिसिएटेड राइट सो आकाश को इंट्रोडक्शन की जरूरत तो वैसे नहीं है बहुत ज़्यादा लेकिन फिर भी Right. Or, of course, we are going to talk a lot of things about preparation for IPCC. Akash se hum puchhenge aur hum koshish karenge Akash hame thoda sa margdarshan kare, hai na? Ki bachchon ko kaise approach karna chahiye? Ye kar sakte hain kyunki inhone sabit kiya hai. That is the point. Ha? So, if you have experience, you should share with all. ठीक है? So, Akash, आप मुझे बताइए. दो तीन सवाल हैं, बहुत straight questions हैं. पहला सवाल तो ये है. कि मैं अक्सर सुनता हूँ बच्चे आपस में गुनगुनाते हैं मेरे पास तो बोले आते हैं मैं तो डांट लगा देता हूँ कि यू हैव टू गो थ्रू स्टडी मैथोलॉजी पेज बाय पेज एंड यू हैव टू गो थ्रू प्रैक्टिस मैनुअल थोरोली पेज बाय पेज एंड आरटीपी थोरोली पेज बाय पेज देन आफ्टर द बुक ऑफ द टीचर देन आफ्टर द क्लास नोट्स ऑफ द टीचर क्या आप मानते हैं ये प्रैक्टिकल है कि आठ आठ मटेरियल को एक सब्जेक्ट में एक बच्चा क्या कर सकता है सर एक्चुअली स्टडी मैथ तो मेरे पास था भी नहीं PM मैंने खोली लेकिन केवल क्वेश्चंस देखने के लिए और जो आपके हैंड नोट थे जो आपके क्लास नोट थे मैंने उन्हीं को रिवाइज किया बार बार क्लास के दौरान भी एंड उसके बाद भी उसके अलावा जो आपकी बुक थी मेरे को लगा कि ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी बुक से मैंने एक बार रीडिंग की जो कि सिंपल लैंग्वेज में था वो मेरे को समझ में आ गया तो स्टडी मैथ और PM दोनों ही मैंने तो रेफर नहीं किया था और मैं एडवाइस भी नहीं करूँगा रेफर करना बिकॉज वो काफ़ी लेंथी हैं प्लस उनकी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी टिपिकल है तो PM की क्वेश्चन जरूर करनी चाहिए कि उनसे एक हिंट मिल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे बाकी स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का मटेरियल मैंने रेफर नहीं किया बिल्कुल सही तरीके से हमेशा कहा जाता है प्रैक्टिस मैनुअल इज फॉर प्रैक्टिस है ना और हर एक बच्चा को रेफर करना चाहिए इससे क्या होता है यू नो द पैटर्न कि क्वेश्चन को कैसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जा सकता है लेकिन लेकिन हाँ जो हमारा क्लास नोट्स है जैसा कि आकाश ने कहा कि वी शुड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन हाँ सो बार बार रिवीजन करना मस्ट है और आपको क्या लगता है कि रिवाइज करते वक्त लिखने का प्रैक्टिस काम आता है नहीं हाईलाइट किया था मैंने रिवाइज करते वक्त लिखा नहीं था थ्योरी में मैंने लिख के प्रैक्टिस नहीं की थी बट जब आप क्लास के दौरान उसके बाद मैं हाईलाइट करता था कि मेरे को ये वर्ड है ये आगे तक याद रखना है इस वर्ड को मेरे को आंसर में यूज करना है और लैंग्वेज अपनी होती है प्लस मतलब लिख के नहीं है सब कुछ मतलब मेन चीज है कि कॉन्सेप्ट के जो कीवर्ड्स होते हैं आई कैन से कीवर्ड्स वो कॉन्सेप्ट के रिमेंबर मैंने किए थे हाँ मतलब अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है हमारे पास कीवर्ड्स है जिसको कि हम लैंग्वेज कहते हैं जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अकाउंट्स की बात करो तो डेबिट क्रेडिट के अलावा आप थोड़ी कुछ लिख सकते यू कैन राइट लाइक मनी डिपॉजिट मनी विड्रॉ नहीं कर सकते ना आपको उसी के लैंग्वेज में लिखना होता है सेम इन द केस ऑफ ITNSL ITNSL का भी लैंग्वेज क्या होता है बहुत स्पेसिफिक होता है कीवर्ड्स जैसा कि आकाश ने कहा कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना प्रॉपरली और फिर उसको रिटेन करना ताकि हम उसे आंसर्स में इस्तेमाल कर सके तो ऐसा हो सकता है कि बिना राइटिंग प्रैक्टिस के भी हम बहुत आसानी से कमांड करें है ना अच्छा मुझे ये बताइए आप कि IT को पढ़ते वक्त खास करके ऐसे में तो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं इसकी वजह से गलत किया है ना IT को पढ़ते वक्त डिफिकल्टीज क्या क्या है कहाँ कहाँ दिक्कत लगा जैसे एक होता है कि सर बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत थी या फोकस करना पड़ता था कॉन्सेप्ट को समझने पे आपका फोकस मेरे अकॉर्डिंग जितना टेक्निकल सब्जेक्ट होता है उतने सिंपल आंसर्स होते हैं अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट है तो आपको पता होता है कि आपको क्या लिखना है तो IT से टेक्निकल सब्जेक्ट और IT मेरे को सबसे अच्छा लगता था बिकॉज उसमें स्पेसिफिक आंसर्स हैं आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते आप अपनी अपना कुछ भी नहीं लिख सकते आपको पता है ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर होगा SM कंपेरेटिवली थोड़ा सा हार्ड पड़ता है बिकॉज क्वेश्चन फ्रेमिंग जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है सेम क्वेश्चन का मे बी डिफरेंट आंसर्स हों या फिर कुछ आंसर्स हों जिनको क्वेश्चन को डिफरेंटली पुट किया जाए तो IT इजी सब्जेक्ट है उसमें बस कीवर्ड्स रिमेंबर कर लो और मतलब
टेक्निकल सब्जेक्ट है इसलिए मेरे को आसान लगा। हाँ, तो कॉन्सेप्ट एंड कीवर्ड टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, जैसा आकाश का कहना है कि एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कीवर्ड्स क्लियर होने चाहिए, और लैंग्वेज आप अपना इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज अ गुड वे, है ना। और ऐसा जैसे कि कहा आकाश ने, और मेरा भी यही मानना है एक्चुअली, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कीवर्ड को रिटेन ही नहीं कर पाओगे। मुझे ये बताइए कि जब हम 7 पेपर का लोड होता है हमारे टाइम कम होता है, और ऐसे में क्या होता है कि हमें बैलेंस करना होता है, तो मैं क्या नोटिस करता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि आई एम पुअर इन थ्योरी, और मैं इसे एक्सक्यूज मानता हूँ, मैं इसे एक्सक्यूज मानता हूँ पुअर इन थियरी, क्योंकि आप दुकान से आईपीसीसी का पुअर इन थियरी, क्योंकि 400 नंबर से ज्यादा का थियरी होता है, 700 में से आपका मोर देन 50% थियरी, दुकान से दैट मींस। लेकिन बच्चों का कहना होता है कि सर हम बैलेंस नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल पेपर्स तो चलो हमारा कवर हो जाता है बहुत हद तक, थियरी को बैलेंस नहीं कर पाते, क्या हम क्या हमें 7 पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस देके चलना चाहिए, या हम किसी को इग्नोर करके चल सकते हैं? नहीं सर, इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी सब्जेक्ट को। जो थ्योरी की बात आती है पढ़ने की, तो मैंने ऐसा किया था कि जब भी मेरा मूड सबसे ज्यादा अच्छा होता था कि हाँ अब मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, तब मैं थ्योरी को देता था। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आपका कुछ स्ट्रेस है माइंड में, तब भी आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस आप निकाल सकते हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे। एक जब आपके माइंड में स्ट्रेस है, आप प्रेशर झेल रहे हो, कुछ प्रेशर महसूस कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिकल सोल्व करो, ज्यादा अच्छे सोल्व होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन थ्योरी का है कि आपको बिल्कुल काम होना पड़ेगा, कूल माइंड से पढ़नी पड़ेगी। तो थ्योरी का तो, और पढ़ने पे मैं ज्यादा सबसे ज्यादा फोकस थ्योरी पे करता था, लाइक नोवेल। कई बार तो मैं ऐसे पढ़ता था कि चलो कुछ नहीं, अगर बोर भी हो रहा हूँ तो नोवेल की तरह पढ़ो, ऐसा हो जाता था। एक रीडिंग नोवेल की तरह कर देते हैं, सेकंड टाइम में और टेक्निकल जाएंगे इसके अंदर। तो थ्योरी को जितना ज्यादा टाइम दोगे, जितना ज्यादा ब्रशअप करोगे, उतना ही वो ज्यादा आपको पढ़ना ही होगा, आपको कमांड करना ही होगा, है ना। अच्छा, क्लास के दौरान रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है? सर, क्लास के दौरान जब आपकी क्लास ओवर होती थी, उसके जस्ट बाद एक रिवाइज जरूर करता था मैं, ताकि आपने जो पढ़ाया है वो जिस सेंस में आपने पढ़ाया था और जिस वे से आपने पढ़ाया था वो मेरे दिमाग में आ जाए। आपने जो पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट आ गया, उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाया था, उसका तरीका क्या था, अगर वो मैं समझ जाता हूँ तो कॉन्सेप्ट समझना चाहता ही है। तो वो एक बार तो जरूर आता था, चाहे 10 मिनट चाहे 20 मिनट, लेकिन जैसे ही क्लास ओवर होगी, खाना खा के उसके बाद एक बार तो जरूर रिवीजन करना है। कि वीकली रिवीजन चलता था, एक वीक हो गया उस टॉपिक को पढ़े हुए, तो उसको एक बार वापस ब्रशअप कर ले। और थ्योरी का सबसे ज्यादा है कि कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में प्लस उसको सोल्व में टाइम ज्यादा लगता है और चीज कम कवर होती है, लेकिन प्रैक्टिकल में टाइम कम लगता है और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो। मतलब देखिए, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि कहा आकाश ने कि कैसे क्लास में एक्सप्लेन किया गया था कॉन्सेप्ट को, उस पैटर्न से मैं उसे रिकॉल करता हूँ, तो बहुत आसान हो जाता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि चीजें एकदम से दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहती होंगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कॉन्सेप्ट सर क्लियर, तो उसे रिटेन करना क्या होता है वो ज्यादा आसान होता है, है ना। सो जैसे कि एक बात और मैं पूछूंगा आपसे, जैसे बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम जैसे अगर हम आईटीएसएम की बात करें, सेकंड ग्रुप में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर हम आईटी पे पूरा 100% कंसंट्रेट कर दें, 50 मार्क्स का होगा, उसमें से हम 40 के आसपास स्कोर कर लेंगे, ऐसे ना भी पढ़े तो 5-10 नंबर ले आएंगे, क्या वो सही है ये? नहीं सर, या इसका वाइस वर्सा भी होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे पे कंसंट्रेट कर देते हैं, आईटी छोड़ देते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने तो इवन ये नहीं सोचा था कि 50-50 नंबर के सेकंड के, मैं ये सोचता था आईटीएसएम ही से बन सकता है, दैट ऑफ 100 मार्क्स, कोई बाइफर्केशन नहीं है, क्या पता कैसा पेपर है, यू नेवर नो, यू मे रिवाइज आईटी ओनली, एंड आईटी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं दैट यू आर अनअवेयर ऑफ, कि आपको पता ही नहीं है, तो यू कांट रिलाई ऑन आईटी ओनली और एसएम ओनली, आपको दोनों को पढ़ना है। और बाइफर ये जो आपका रिवीजन है 50-50 का, इसको इग्नोर करो, दोनों को पढ़ो अच्छे से, आप उसको तैयारी करते हो, यू मे रिमेंबर कि हाँ ये 50 का है, मेरे को इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, बट जब आप पेपर अपीयर कर रहे हो तो कुछ नहीं है, दोनों पेपर हैं, दोनों को अपना 100% देना है, तब ही टोटल आपका अच्छा रहेगा। अच्छा, जब आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा गया, आपने क्वेश्चन पेपर के पहले क्वेश्चन को पढ़ा, तो डर लगा सर? लिटरली लगा था एक्चुअली, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे मेरे जो रह गए थे, तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड जो है मैं 6 पेपर बहुत अच्छे हुए थे, तो वो जो क्वेश्चन रह गया था वो मेरे को ज्यादा ट्रैक कर रहा था कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता,
फिर मैंने अपने माइंड को कूल किया कि नहीं, जो आता है उसको ज्यादा, अगर उसको अच्छे से लिखूंगा तो वो मेरे को ज्यादा नंबर दिलाएगा, जो नहीं आता वो तो नहीं आता। तो मैंने फिर उसको अपने माइंड सेट किया, 15 मिनट मिले स्टार्टिंग में, उसमें मैंने माइंड सेट बना लिया था कि इन पे फोकस नहीं करना, मेरे को जो मेरे को आता है उसको मेरे को लिखना है, पहले उस पर मेरा 100% देना है, उनको अच्छे से लिखना है। तो उसके अकॉर्डिंग और इम्पोर्टेंट है कि आप पूरे 3 घंटे वहां पे बैठो। सबसे ज्यादा मैं देख रहा था मेरी क्लास खाली होती जा रही थी विद इन 1 आवर 2 आवर, जब भी वो अलाउ करते हैं कि आप जा सकते हो, क्योंकि वो झेल ही नहीं पा रहे थे, उनका ऐसा था कि झेल रहे हैं। लेकिन अगर आप 3 घंटे बैठते हैं और जो आपको कॉन्सेप्ट आता है उसको लिखते हैं तो मेरे अंदाज से बहुत इजी सब्जेक्ट है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। दो बातें हैं यहाँ जो हमें एज अ स्टूडेंट डेफिनेटली नोट करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, कभी भी क्वेश्चन को देख के ना होप लूज नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो हम ना जानते, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। इंसान है 100% कवर करने के बाद हो सकता है हमारा पोर्शन वीक, जैसे आकाश ने कहा कि एक दो पोर्शन वीक था और वो क्वेश्चन से बार बार अट्रैक्ट कर रहा था, बट ही मैनेज्ड इट। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस है, मान लो हमारे पास 14 क्वेश्चंस है, उस 14 क्वेश्चंस में से हम 2 क्वेश्चन नहीं जानते, उस 2 क्वेश्चन की वजह से हमारे 12 क्वेश्चंस खराब नहीं होना चाहिए, राइट। और हमें उस पर फोकस करना चाहिए जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें सही तरह से हमें क्या करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए ना। और सेकेंड इंपॉर्टेंट, 3 आवर्स बीच में भागना, जो डर गया वो मर गया, डरना नहीं है। 3 आवर्स को मतलब हमें कोशिश करनी है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको शुरू में कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं हो रहे, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो रिकॉल होने शुरू हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ, सो हमें लास्ट क्लास तक बने रहना चाहिए, मैदान में डटे रहना चाहिए, तभी रैंक आता है, राइट। मैं चाहूँगा आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं फिलहाल IBCC के गाइडेंस में से बनती, उन बच्चों को कुछ आप कुछ मैसेज दो, कुछ उन्हें गाइडेंस दो, क्योंकि आप दे सकते हैं बिकॉज यू प्रूव्ड इट। So please, मेरे अकॉर्डिंग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, उनको डे वाइज और 2 or 3 days या हद से हर वीकली प्लान बनानी चाहिए। एंड देट शुड नॉट बी आर वाइज कि मेरे को 7 बजे उठना है, 8 बजे नहाना है, देट शुड बी चैप्टर वाइज कि मेरे को इतने चैप्टर आज करने ही हैं और 3 दिन में करने हैं, अगर आज नहीं हो पाता तो मेरे को कल ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। और ये चैप्टर वाइज होना चाहिए प्लान, और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स अ डे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सब्जेक्ट लेके बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई भी सब्जेक्ट कम्प्लीट नहीं हो पा रहा, उससे एक प्रेशर बिल्ड होगा। आप 2 सब्जेक्ट एक साथ लें और उसमें आप उसको कम्प्लीट करें, प्लस जब आप उनको छोड़ रहे हैं तो उनको इग्नोर ना करें, उनमें से भी अपना कुछ ना कुछ एक चैप्टर या आधा चैप्टर डेली का रिवीजन के लिए जरूर रखें अपने प्लान में। और प्लान जो है वो जहां तक हो सके वहां तक उनको अडेयर करना ही है। छोटे प्लान बनाएं, चाहे कम चैप्टर्स का अपना प्लान बनाएं, लेकिन जो बनाया है उसको कंप्लीट करना है। और अगर एक बार वो कंप्लीट हो जाता है तो आप बड़ा जरूर करें उसको जरूर बनाएं। अगर आपने 3 चैप्टर का प्लान बनाया था और वो कंप्लीट हो रहा है आपका टाइमली, तो इसका मतलब आपका प्लान गलत था, आप उसको 4 कीजिए। ऐसा जरूर होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, जब छूटेगा तभी आप अपने स्टडीज को कंप्लीट कर पाएंगे, वरना वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैप्टर आपका रिवाइज नहीं हो पाएगा। That's right. Very good. अच्छा, अब एक और छोटा सा सवाल है मेरा, जब आप ITSM की क्लास में थे, है ना, आप तो फिजिक्स क्लास में थे, तो कैसा लग रहा था क्लास में, आपको मजा आता था या नहीं आता था? जैसे मैं जैसे मेरे सीनियर्स ने बताया था एक्चुअली कि ITSM इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट एंड ऑल दैट, जब मैंने D1 क्लास अटेंड किया आपकी तो मेरे को ऐसा लगा कि कहाँ बोरिंग है, मतलब क्या बोरिंग है इसमें, इंटरेस्टिंग तो है, IT आपने पहले पढ़ा था हमें तो इंटरेस्टिंग तो है, कुछ भी तो नहीं है, जो आपका मतलब बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहे थे और काफी मजा आ रहा था, मतलब जो आपका वे ऑफ टीचिंग है, इंटरेक्शन है, वो काफी अच्छा लगा, प्लस जो क्वेश्चंस आप पुट अप करते हैं उनके आंसर्स, आपका रिटन टेस्ट होता है, वो काफी अच्छा लगा, और बिल्कुल मजा, मतलब सबसे अच्छी क्लास जो कहता है ना कि बोर नहीं हुए जिसमें, वो ITSM था। तो मतलब एक बात तो है कि ये इतना बोरिंग है, बोरिंग है, बोला जाता है नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। सो इट्स अबाउट अप्रोच, है ना, अप्रोच क्या रखते हैं हम किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, बोरिंग लगने को तो कुछ भी बोरिंग लगना शुरू हो सकता है, बट इट्स ऑल अबाउट अप्रोच, है ना। थैंक यू आकाश, एंड आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, सर्टेनली आई होप कि आपका फाइनल में भी रैंक आना है, और इंश्योर करो कि टॉप 3 में है। सो वी कैन सी कि सर मैं IR1 लाने वाला हूँ, बट वी कैन सी कि हम टॉप 3 में आने वाले हैं। सो वर्क हार्ड एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।